वेलकम बैक टू अवर चैनल तेजा ब्लॉग्स। मैं हूं मृत्युंजय पटेल और मैं हूं सूर्या पटेल। तो गाइज, हम लोग खड़े हैं अभी ऐसी जगह पर जहां पर कुछ एक महीने पूर्व बहुत बड़ी संख्या में रश हुआ करता था। जी आप सही समझ रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट की वो भूमि जिसको लेकर काफी समय तक हमारे यहाँ विवाद चला। और फिलहाल मुल्ताई के लोकल प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन के द्वारा यहाँ पर विगत कुछ वर्षों से मुल्ताई माँ ताप्ती मेला आयोजित किया जा रहा है। और ऐसे में आपका मतलब ध्यान लाने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ पर मेला लगने के बाद की स्थिति बहुत मस्त हो रही है, खतरनाक है। कचरा मुझे दिखाई दे रहा है बहुत बड़ी संख्या में। नगर पालिका प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो यहाँ से बीमारी जन्म लेगी और आसपास के जितने भी रिहायशी इलाके हैं उनमें ये बीमारी छुएगी। इसके बाद आज की जो हमारी जर्नी है उसके बारे में दीदी बताएंगी कि हम लोग कौन सी रोड से गए हैं और कैसा क्या है। थोड़ी देर पहले हम अभी 12 बजे करीबन घर से निकले थे, जो कि अभी आप देख लेंगे कि हमारी कैसी क्या जर्नी रही है। जर्नी हो गया और हम अभी जा रहे हैं कॉलेज, वहाँ पे सिखा रहे कराटे, तो उसी के लिए अभी हम निकले हुए हैं। तो आप स्टे ट्यून इन अवर वीडियो और देखिए गाइस, एंजॉय कीजिए। और गाइस, फेसबुक पेज पर आपका जो रिस्पांस मिल रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। ये समझ लीजिए कि इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। इंस्टाग्राम पे भी अब जल्द लगातार वीडियोस आएंगे, तो ये जो आप लोगों के रिस्पॉन्सेज हमें दो अन्य प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं वो मतलब उसका मैं हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ, हार्दिक आभार बोलना चाहिए जिसको। और आप यूट्यूब पर भी अपना प्यार बनाए रखिए, यूट्यूब पर भी हमारे वीडियोस को देखिए। अलग अलग वीडियोस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि हम आपको एंटरटेन करें। और मुल्ताई सहित आसपास की जो भी प्रमुख चीज़ें जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं और हमारे हमें सजेस्ट करना चाहते हैं अबाउट कंटेंट, तो आप बताएं। ठीक है, चालू कर दिए। सो गाइस, अभी सुबह का टाइम है और आज शुक्रवार है, शनिवार है आज, शुक्रवार आज, टुडे इज फ्राइडे, बट ऐसा लग रहा है हमें कि अभी आज शनिवार है, क्योंकि दुकानें लगभग बंद ही नजर आ रही है सुबह सुबह। हमारे यहाँ ठंड में एक तो लेट दुकानें खुलती हैं और जल्दी बंद भी हो जाया करती है। सामने गाय माता, और हम यहाँ से अब जैन बोर्डिंग रोड की तरफ रुक कर लेते गए। सामने से गाड़ी मैंने पहले भी आपको बताया, अतिक्रमण की भेंट चढ़ा हुआ है। कई लोगों ने अपनी दुकानें यहाँ पर दो दो तीन तीन फीट आगे बढ़ा रखी है, प्लस गाड़ी रखने से एक पूरा कमरा ही समझ के चले आप। इस पर भी शासन या प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, देना चाहिए, ये एक तरह से जनमानस के कल्याण की बातें। और हम इसको क्रॉस करके गाइस जा रहे हैं रेलवे स्टेशन रोड की तरफ। और ये अभी का माहौल है, जो मैं आपको टाइमिंग बता दूँ, करीब करीब 12 बजने को है और आज भी लूना वगैरह चलती है सुबह, पता है आज भी लूना वगैरह जैसी गाड़ियाँ चल रही है गाइस। और मैं ये जानना चाहूँगा अभी देखिए चौपाटी वाला जो काम है वो भी ठप पड़ा है हमारे यहाँ का, पार्किंग एरिया सा बना हुआ है, ये अगर पूरा खुल जाता है तो इधर और उधर का अतिक्रमण हट जाता है। ये एक तरह से टेम्परेरी अतिक्रमण है, बट लंबे समय के बाद फिर ये मतलब अपनी जगह समझ में आने लगती है लोगों को। गाइस, 26 जनवरी को आप सभी लोग परफॉर्मेंस के वीवर्स बने, साक्षी बने और देखने की कोशिश करें हमारा परफॉर्मेंस। और मुल्ताई वासी जो भी लोग हैं वो अधिक से अधिक संख्या में बालिकाओं को आत्मरक्षा जरूर सिखाएं, क्योंकि आज के समय में आत्मरक्षा बहुत जरूरी है। अभी अभी हम जिस मंदिर को क्रॉस किया उसे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर कहते हैं। ये पेठा समझता है, आगरे का पेठा, ये काहे से बनता? ये कुंबड़े से बनता है, कद्दू वगैरह। हाँ, कुंबड़े से बनता है, उसको छील कर फिर बाकायदा उसको ऐसे छेद छेद करते हैं मशीनों से। हाँ। उसमें चाशनी वगैरह भरते हैं, अगर
कलर वाला चाहिए तो चाशनी में कलर डाल देते हैं, फिर शायद धूप वगैरह में सुखाते हैं जैसा भी होगा उनका, और फिर पैक करके यहाँ तक भेजते हैं। गाइस आप लोगों ने भी पेठा खाया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको आगरे का पेठा कैसा लगा। और अभी रख ले अब आगे फिर आगरा जो है। तो गाइस हम चल रहे हैं कॉलेज रोड, यहाँ पर यदि आपकी गाड़ी वाड़ी पंचर हो जाए तो आप यहाँ पे पीछे साइड में यदि हो तो उधर आप। जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा आज इधर का गाइस कचरा नहीं उठा है, अभी पता नहीं कैमरे में दिख रहा है ये मैं बात करूँ, मैं आपको लेकर के चलता हूँ है ना, अभी बंद है तो लेकर चल सकते हैं। अभी गेट तो बंद है। चलो इधर से गाइस हम लोग चल रहे हैं मेला रोड की तरफ। आपको पता होगा कि जो पिछले ब्लॉग्स भी हमारे काफ़ी आए थे जब मेला लगा हुआ था, यहाँ देख सकते हैं आप कचरे की एक संख्या देखिए आप, प्लास्टिक और हर चीज़ की। और नगर पालिका अमला जो है हमारा कचरे को हटाए यहाँ से, नहीं तो ये गंदगी बनेगी एक तरह की। आप मेले ग्राउंड की एक स्थिति, हर तरफ मुझे यहाँ से वस्तु स्थिति पे कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। और आप भी यहाँ पर आए और यहाँ के जो ये वार्ड में आता है, जिस वार्ड में आता है उन वार्ड के पार्षद से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि वो इसको साफ़ करवाएं। नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका अध्यक्ष सहित CMO साहब और अन्य पार्षदगण भी, सभापति भी इस ओर अपना ध्यान लाने की कोशिश करें और इसको साफ़ करवाएं, ताकि मुल्ताई वासियों पर बीमारी को लेकर कोई भी संकट ना आए। कितना टाइम और लगता है गेट को लेकर, रोज़ाना हम लोग भी हमारा यहाँ पर 5 से 10 मिनट आजकल वेस्ट करने लगे। वेस्ट मतलब इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि खड़े हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, हालांकि उतनी देर में भी हम लोग अपने काफ़ी काम निपटा लेते हैं, बट लोगों का जितना टाइम बच जाए उतना बेहतर होता है। सामने सलाख दिख रही है गाइस, इसके ऊपर भी मैं आपको एक सावधानी वश बता दूं कि जब इस तरह की सलाखे दिख रही होगी ना, ऑन है इस तरह की सलाखे गाइस जब गाड़ियों में लगी रहती तो इस गाड़ी से आपको 25-30 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। अक्सर जो एक्सीडेंट होते हैं वो सलाखों की वजह से होते हैं। और जैसा कि आपको दिख पा रहा है, जैसे आप लोग गाड़ी से चलती गाड़ी से इसके पीछे जाएंगे तो अचानक से कोई भी गंभीर दुर्घटनाएं मैंने खुद ने अपने आंखों देखी है, तो आप लोग भी इससे बचने की कोशिश करें। और जो शासन प्रशासन है वो इस ओर अपना ध्यान रखें कि इस टाइप की जो गाड़ी है उनको एंट्री कराते समय थोड़ी चेकिंग कर लें। इसी बीच हमारे यहाँ मानस खंडेलवाल की एंट्री हुई है, तो बारिश को फिर रहने देते हैं भैया, जाने का क्या करूँ, रिटर्न होंगे तो इधर आ जाए भैया को जाए। अच्छा कॉलेज जा रहे तो फिर ठीक है। बंद